चलिए बनाते हैं होममेड ठंडाई पाउडर। उसके लिए आप एक मिक्सी का जार लें, उसमें 60 ग्राम बादाम लें, 45 ग्राम काजू, 15 ग्राम पिस्ता, 10 ग्राम खरबूजे के बीज, 7 ग्राम साबुत काली मिर्च, 4 ग्राम सौंफ, 15 साबुत इलायची, चुटकी भर केसर और 3 ग्राम सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ। इसे हम अच्छे से पीसेंगे। पीसते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप उसे पल्स करें और एक साथ ना पीसें, नहीं तो सारे ये ड्राई फ्रूट्स तेल छोड़ देंगे। अब आपका ठंडाई पाउडर तैयार है। आप इसे एक एयर टाइट डब्बे में निकाल लीजिए। ठंडाई बनाने के लिए एक बाउल में आप दूध लें, उसमें एक बड़ा चम्मच घर का बनाया हुआ ठंडाई पाउडर मिलाएं। मीठा आप अपने अनुसार मिलाएं। इसमें हमने इसमें शहद मिलाया है। आप चाहे तो शुगर फ्री, चीनी, कुछ किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसे अच्छे से मिला के 1 घंटे तक सोख होने दें। फिर इसे छान के एकदम ठंडा करके परोसें। हमें बताना मत भूलिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।